ये कहीं ना कहीं आप अपनी नाकामियों पर लीपा पोती करने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। ये बचाव वाले विषय हैं। शराबबंदी कानून आपने बनाया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर आप उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे। किसकी कमी है? आपकी नाकामी है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है कि मोतियाबिंद जैसा सरल ऑपरेशन कराने भी अगर आप जाइएगा तो आपकी बाईं आंख में होगा तो दाईं आंख का पहले ऑपरेशन करेगा और उसके बाद वो ऑपरेशन इतना खराब कि आंखों की रोशनी आपकी चली जाएगी। सोचिए, उन परिजनों से अगर आप मिलेंगे या उन पीड़ितों से अगर आप मिलेंगे, आपका दिल भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं ये देखकर कि उनकी आंख की रोशनी तो गई, आपने उनकी आंखें तक निकाल दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो असली चीजें हैं, असली परेशानियां हैं, उसे छुपा करके सिर्फ शराबबंदी कानून का हवा बनाते रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो हम आपको सुनाते हैं। बचाव वाले विषय हैं। शराबबंदी कानून आपने बनाया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर आप उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे। किसकी कमी है? आपकी नाकामी है। और उसके बाद जो बाकी के ज्वलंत विषय हैं उस पर आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं आप अपनी नाकामियों पर लीपा पोती करने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कल मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से आग की रोशनी जाने वाली जो घटना सामने आई है, दुखद उसमें ये है कि ना सिर्फ आपने आग की रोशनी आपने छीन ली, बल्कि उसके बाद आपने आंख तक आपने वहां पे निकाल दी। वहां पर गए लोग बाईं आंख को ऑपरेशन कराने, आपने दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। अब समझ में आता है कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाते हैं, क्योंकि उनको भली भांति इस बात की जानकारी है कि भैया बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है कि मोतियाबिंद जैसा सरल ऑपरेशन कराने भी अगर आप जाइएगा तो आपकी बाईं आंख में होगा तो दाईं आंख का पहले ऑपरेशन करेगा और उसके बाद वो ऑपरेशन इतना खराब कि आंखों की रोशनी आपकी चली जाएगी। सोचिए, उन परिजनों से अगर आप मिलेंगे या उन पीड़ितों से अगर आप मिलेंगे, आपका दिल भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं ये देखकर कि उनकी आंख की रोशनी तो गई, आपने उनकी आंखें तक निकाल ली। वो पत्थर की आंख लगवाने के लिए वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। सरकार की तरफ से मुआवजा देना तो दूर की बात है, इलाज में भी जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम में तो मुजफ्फरपुर जाते हैं पर यहाँ एक बार भी जाकर वो अस्पताल में इन पीड़ितों से या उनके परिजनों से मिलना वो ज़रूरी नहीं समझते, तो अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के मन से मानवता और इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जनगणना पर नीतीश कुमार जी जल्दी बैठक करने वाले हैं, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे आप? अगर बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग भी समर्थन करते हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनाई जाती हैं, उसकी राशि उसके अनुपात में आवंटित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी आबादी उस जाति की कितनी है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर मुख्यमंत्री, वैसे पिछली बार उन्होंने बुलाया नहीं था जब वो प्रधानमंत्री के पास गए थे, पर अगर बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, समर्थन करते हैं भैया हम लोग इस बात का। बढ़िया बात है, विद्यालय खोल रहे हैं, ये सोच अच्छी है, किसी के भी नाम पे खोले पर सोच अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में विद्यालय, अच्छे विद्यालय होने ज़रूरी हैं। एक सवाल चिराग जी की, विधानसभा में चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, एक मिनट रुक जाओ यार, विधानसभा में खाली शराब की बोतल पर चर्चा होती है लेकिन बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो किस तरह से देखते हैं आप? चिंता इसी बात की है भैया, क्योंकि शराबबंदी का एक अब ऐसा हवा इन्होंने बना दिया है, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीने से प्रदेश में और कोई काम ही नहीं है, और उसके बाद भी जहरीली शराब से लोग मरे जा रहे हैं। पर भैया इसमें ये भी तो बताइए कि कहीं ना कहीं जो आप नैरेटिव भटकाते हैं, ये भी तो बताइए कि उन 19 लाख रोजगार का हुआ क्या, उसके बारे में कौन बात कर रहा है, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? ईमानदारी की बात है कि जितने भटकाव वाले विषय हैं, शराबबंदी कानून आपने बनाया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर आप तो आपने सुना चिराग पासवान को किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है और एक बार फिर से उस आग फोड़वा अस्पताल का जिक्र किया है कि इतनी लोगों की आंखें चली गई है, आंखों को निकलवाना तक पड़ गया है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से इसे कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है, बल्कि खुद नीतीश कुमार के ऑपरेशन कराने के लिए वो दिल्ली जाते हैं लेकिन उन्हें बिहार के लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि ऐसे में नीतीश कुमार क्या कुछ जवाब देते हैं। बने रहे आप हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।